इस सेशन में जो है हम लोग एक प्रोजेक्ट देखेंगे जो कि आपको है पेमेंट वाउचर के ऊपर। रिसीव वाउचर के ऊपर हमने जो प्रोजेक्ट है कॉल सॉल्व कराया था। अभी जो है ये प्रोजेक्ट आपको किस पे है, पेमेंट पे भी है रिसीव पे भी है। मैंने क्या किया, इसमें जो प्रोजेक्ट है उसको मिक्स कर दिया है। इसमें पेमेंट का भी मतलब कुछ डाल दिया है और रिसीव का भी डाल दिया है ताकि दोनों आपको जो है कंप्लीट होता चले। तो लाइक यहाँ पे क्या कह रहा है कि मिस्टर सोहन स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैश RS 3 लाख रुपीज। ठीक है, यानी कि कोई मिस्टर सोहन है नाम है जो कि अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश में, यानी कि पैसा में, कितना 3 लाख रुपया लगा के। अब कह रहा है कि ही रिसीव कमीशन 1,000 रुपया, यानी कि वो जो है कमीशन ले रहे हैं कितना 1,000 रुपया। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा रिसीव्ड हो रहा है, सब पैसा क्या हो रहा है आ रहा है, कितना हो रहा है रिसीप्ट आ रहा है 2,000 रुपया। रूम रेंट रिसिप्ट, यानी कि जो रूम रेंट है, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस लगाते हैं तो उसी बिजनेस से ये सब प्रॉफिट हो रहा है। रूम किसी को रेंट पे दे दिए होंगे तो लाइक उससे हमारा आ रहा है कितना 1,800 रुपया। एंड प्रोफेशनल फी रिसिप्ट 6,000 रुपया। ठीक है, तो प्रोफेशनल फीस आपको बताए थे कि क्या होता है, तो ये सब इनके पास क्या हो रहा है अभी तक रिसिप्ट हो रहा है, यानी कि रिसिप्ट बोल तो आ रहा है। अब यहाँ पे इसमें नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे हम डाल दिए हैं क्या जी, पेमेंट का, क्योंकि पेमेंट हम कर रहे हैं तो यहाँ पे ही ऑल्सो वेजेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे वेजेज पे, पे मतलब पेमेंट, आपका यहाँ पेमेंट हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे 500 रुपया, वेजेज पे 1,000 रुपया। एंड स्टाफ सैलरी, स्टाफ का जो सैलरी दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं 1,200 रुपया। देन शो बैलेंस शीट, उसके बाद में हमको क्या करना है बैलेंस शीट ज्ञात करना है। तो इस तरह बहुत सिंपल है, कोई भी निकाल सकता है। क्या करेगा वो जो है यहाँ पे कमीशन जो है ऐड कर देगा 1,000 रुपया, उसके बाद में इंटरेस्ट को ऐड कर देगा 2,000 रुपया, और उसके बाद में क्या करेगा यह आपका जो है रूम रेंट है इसको भी ऐड कर देगा, और यहाँ पे प्रोफेशनल फी को भी ऐड कर देगा। बिकॉज क्या है कि ये सब रिसीव हो रहा है तो इतना रुपया हमको मिला है। और यहाँ पे क्या करेगा वेजेज पे, यानी कि पैसा जो देना है 1,000 रुपया, और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे है और सैलरी है, ये दोनों को तीनों को क्या करेगा एक एक जगह ऐड करेगा। और क्या करेगा जो भी हमको पैसा मिला है यानी कि रिसीप्ट में से पेमेंट को क्या करेगा माइनस कर देगा, तो उसका आंसर जो है निकल जाएगा। लेकिन टैली में वैसा नहीं है, टैली में करने के लिए आपको जो है क्या करना होगा, पहले यहाँ पे रियलिटी काम करना होगा। जैसे कि पहले आपको क्या करना है एक बिजनेस यानी कि कंपनी क्रिएट करना होगा। ठीक है, उसके बाद में इसमें लेजर बनाना होगा कि इसमें लेजर मतलब कौन कौन सा चीज़ है, खाता है, जैसे कि फर्स्ट आपका कैपिटल है वो भी आपका एक लेजर हो जाएगा। लेजर ये सब बनेगा, कैपिटल का बनेगा, कमीशन का बनेगा, इंटरेस्ट का, जो जो चीज़ें इसमें हो रही है। ठीक है, उसके बाद में उसमें एंट्री कराएंगे राइट, लाइक जैसे कि हमने ऐड किया था रिसिप्ट में इतने सबको और पेमेंट में इतने सबको, तो इस तरह आपको अलग अलग यहाँ पे एंट्री होगा वाउचर का। और नेक्स्ट में लास्ट में हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे कि हमारा बैलेंस शीट कितना आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पे आपके सुविधा के लिए हमने क्या किया है लेजर और अंडर दोनों को लिख दिया है ताकि आपको जो है पता चल जाए कि इसमें क्या होता है। जैसे कैपिटल अकाउंट में कैपिटल होता है, जो इंटरेस्ट रिसिप्ट है वो इनडायरेक्ट मतलब इनकम में आता है, कमीशन रिसिप्ट किस में आता है इनडायरेक्ट इनकम में आता है, प्रोफेशनल डायरेक्ट में आता है, उस तरह वेजेज पे जो होता है डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे डायरेक्ट एक्सपेंस, और जो है स्टाफ सैलरी पे ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब चलिए इसको जो है इस प्रोजेक्ट को बात करें, अगर इस मतलब क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं इस नोट्स को वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको देख के आप बना भी सकते हैं। तो लाइक यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले हम टैली ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको इसका स्टार्टअप आएगा, तो यहाँ पे ऑल के साथ में W प्रेस करेंगे, यह हमारा ओपन हो गया। बताया था कि अगर पहले से कोई कंपनी बना हुआ है तो ये कंपनी के साथ में ओपन होगा, तो इस कंपनी को क्या करेंगे हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए ऑल्ट के साथ F1 जो कि शॉर्टकट होता है, और यहाँ से आएंगे 3 नंबर पे क्रिएट कंपनी में और कोई एक कंपनी बना लेंगे। ठीक है, तो लाइक ये कंपनी हमने बना लिया, एंटर करेंगे।
यहाँ पे पूरी डिटेल डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो मेन हो वो डाल दीजिए, ठीक है, बाकी और भी डिटेल डालना हो तो डालिए, नहीं तो कंट्रोल साथ में एक कर लीजिए, ऑल एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कंपनी हमारा क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, लेजर क्रिएट करना है। तो लेजर क्रिएट करने का प्रोसेस भी बताए थे, हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, तो लाइक गेटवे ऑफ टैली में है, अकाउंट इन्फो में जाएंगे तो अकाउंट इन्फो पर क्लिक किए, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन मिलेगा लेजर का, लेजर पे जाते हैं। अब इसमें आपको बताए थे सिंगल लेजर मल्टीपल लेजर क्या होता है, सिंगल में क्या होता है कि आपको पूरा डिटेल के साथ में भरना होता है, मल्टीपल में जो होता है वो सब नहीं होता है, यहाँ पे मल्टीपल में आ जाइए, आसान होता है बनाना, केवल आपको जो है जिस जिस लेजर को बनाना है उसका नाम दीजिए और अंडर दीजिए, बस हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट हमको बनाना है कैपिटल का, तो यहाँ से हम कैपिटल अकाउंट कर लेते हैं और यहाँ से इंटर करते हैं, तो कैपिटल का किस में आता है, लाइक कैपिटल में आता है, तो एंट्री कर लीजिए। अब यहाँ पे दे रहा है ओपनिंग बैलेंस, तो इसमें आपको यहाँ पे एंट्री नहीं कराना है, वाउचर एंट्री में कराना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन एक एक पढ़ के देखना है, कैपिटल का तो हो गया बिजनेस स्टार्ट कर लिए, अब क्या है कमीशन है, तो लाइक कमीशन का बनाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा कमीशन, ये आपको क्या मिल रहा है रिसीव हो रहा है, तो रिसीव डाल दीजिएगा आपको पहचान में आ जाएगा। अब कमीशन क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो लाइक यहाँ से इनडायरेक्ट सॉरी इनकम होता है, इनडायरेक्ट इनकम हो गया। उसके बाद में फिर प्लस में क्या करना है, इंटरेस्ट है और रूम रेंट है, तो यहाँ से इंटरेस्ट ये भी आपका रिसीव हो रहा है, इंटर कीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। और उसके बाद में रूम रेंट भी है, रूम रेंट ये भी आपका मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, तो यहाँ से कर लिए, ये क्या हो जाएगा, ये भी लाइक इनडायरेक्ट हो जाएगा, इंटर कीजिए। उसके बाद में और भी देख लीजिए क्या क्या है, रूम रेंट हो गया, उसके बाद में प्रोफेशनल फी भी है 6,000 रुपीज, तो लाइक यहाँ से हम लिख देते हैं प्रोफेशनल फी, ये भी क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, इंटर कीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इनकम हो जाएगा, तो डायरेक्ट इनकम सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से इंटर कीजिए। अब ये तो क्या हो गया, जितना भी रिसीव करा रहे थे उसका हो गया, पेमेंट का भी है तो सबको इसी में बनेगा, ये अलग से नहीं बनेगा, तो यहाँ से ही मतलब ऑल्सो वेजेज पे, तो सबसे पहले एक वेजेज का बनेगा, उसके बाद में एक जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे है, तो ये सबको भी बना लेते हैं, तो यहाँ से हम बना लेते हैं वेजेज पे, यानी कि पेमेंट कर रहे हैं तो वेजेज पे हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हम बताए थे डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। उसके बाद में एक आपका था क्या था, हमको याद नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे था, तो लाइक इसको हम लिख लेते हैं ई बिल पे, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, यहाँ से इंटर करेंगे और जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो डायरेक्ट में आता है। अब डायरेक्ट कैसे आता है, तो ये आप एक्सपेंस पढ़िएगा, यानी कि पिछला क्लास देख लीजिएगा एक्सपेंस का, उसमें हम बताए थे कि डायरेक्ट में जो भी आएगा मतलब एट ए टाइम उसको अगर देना होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई आपको जो है मोबाइल का बिल पे कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो डायरेक्ट होगा, बिकॉज क्या है, जब तक आप जो है बिल पे नहीं कीजिएगा यानी कि पैसा नहीं दीजिएगा, तब तक आपका जो है रिचार्ज नहीं होगा, बात नहीं होगा, तो वो जो है एट ए टाइम देना होता है। उस तरह आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी है, आपको जो है एट ए टाइम देना होता है, जो भी उसी समय देना हो वो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट में आता है, और जिसको आप जो है कुछ दिन के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे कि स्टाफ सैलरी, अगर कोई आपके कंपनी में काम कर रहा है तो क्या कर सकते हैं, आप उसके जो है एक्सटेंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे स्टाफ सैलरी जो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट में हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको भी बना देते हैं स्टाफ सैलरी, ये क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, इंटर कीजिए, ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। अब जितना भी हमारा जो प्रोजेक्ट में था यानी कि मतलब क्वेश्चन में था, वो सब हमारे जो वही खाता थे यानी कि लेजर था वो सब बन गया। अब क्या करना है, इसको सेव कर देना है,
फिर से इंटर करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, एक बार और इंटर कर देंगे, ये हमारा सभी क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। अब इसको देखना हो तो क्या करेंगे, जाएंगे डिस्प्ले में, जितना ही बनाए थे वो सब आ जाएगा। आपको यहाँ पे दो लेजर ऑलरेडी बना मिलेगा, कौन कौन सा, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे ये बताए थे आपको, पहले से बना रहता है। तो हमारा कंपनी बन गया, लेजर बन गया। अब क्या करना है, एंट्री कराना है कि कितना पैसा ले रहे हैं, कितना दे रहे हैं। एंट्री कराने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं, पैसा को रिसीव कराते हैं, यानी कि लेते हैं। तो इसके लिए F6 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा रिसीव हो जाएगा। और सबसे पहले एंट्री किसका कराते हैं, तो कैपिटल का कराते हैं। तो कैपिटल सेलेक्ट करेंगे, अब जब प्रोजेक्ट में अपना देखेंगे कि कितना कैपिटल है, तो कैपिटल जो है 3 लाख रुपीज है, तो यहाँ से 3 लाख डाल लीजिए, ठीक है, 3 लाख हो गया। यहाँ से टैप मतलब इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे DR में क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। एक बार और इंटर कीजिए और यहाँ से कैश सेलेक्ट कर लीजिए और इसको एक्सेप्ट कराइए। फर्स्ट हमारा हो गया। सेकेंड में जो है ये आपको देखना होगा कि कितना है कमीशन, जो है 1000 रुपया है, इंटरेस्ट 2000 है, ठीक है। तो यहाँ से हम समझ करते हैं कमीशन, और इसमें जो है 1000 रुपया करते हैं, और इसको कैश में, और इसको एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद में इंटरेस्ट भी है 1000 रुपया, सॉरी इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट 2000 था, रूडेंट 1800 था, इंटरेस्ट 2000, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा कैश, इंटर करते रहिए, ध्यान रखिए ये सब रिसीव में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में रूमेंट है, क्योंकि ये सब हमको मिल रहा है। तो ये है आपका 1800, यहाँ से क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है प्रोफेशनल फी रिसीप 6000, तो प्रोफेशनल को भी डाल लीजिए 6000, और यहाँ से कैश सेलेक्ट कीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। यानी कि जितना हमारा रिसीव का प्रश्न था, क्वेश्चन था, वो सब हो गया। अब क्या करना है, पेमेंट का करना है, यानी कि ऑल टू ऑल्सो वेजेज पे मतलब पेमेंट करना है। तो इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ से रिसीप को हटा कर पेमेंट करेंगे, यानी कि F5 प्रेस करेंगे, तो पेमेंट में आ गया। आप जो है वेजेज पे करना है, तो जाइए वेजेज देखिए किधर है, वेजेज यहाँ पे है, इंटर कीजिए। कितना पे करना है वेजेज में, वेजेज में आपको 1000 पे करना है, तो यहाँ से 1000 रुपया लिख दीजिए। अब यहाँ से इंटर कीजिए, उसमें बताया था नोट में कि CR में इसका क्या हो जाएगा, कैश या बैंक आएगा, तो लाइक यहाँ पे कैश सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से एक्सेप्ट कर दीजिए। उसके बाद में एक जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे है, तो ये भी आपका कितना है, 500 रुपीज़ है, यहाँ से कैश सेलेक्ट कीजिए और इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। उसके बाद में एक और कोई एंट्री है, लाइक स्टाफ सैलरी पे, ये कितना है, 1200 रुपया है, तो यहाँ से स्टाफ सैलरी पे 1200 रुपया, और यहाँ से ये भी आपका कैश में दे रहे हैं, तो इंटर कीजिए और एक्सेप्ट कराइए। अब यहाँ पे जितना भी आपको एंट्री था इस मतलब प्रोजेक्ट में, वो सारी एंट्री जो है हमने क्या किया, प्रॉफिट मतलब यहाँ पे कर लिया, यानी कि इसका भी काम हो गया, वाउचर एंट्री का भी हो गया। लास्ट में बचता क्या है, शो बैलेंस शीट। अब हमको क्या करना है, बैलेंस शीट अपना देखना है कि कितना आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो फिर से जाएंगे यहाँ पे, टैली ओपन करेंगे और यहाँ से एस्केप की से बैग जाएंगे। बैग जाने के बाद में आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, और यहाँ से हम जाएंगे किस में, नीचे रिपोर्ट में आपको बैलेंस शीट मिलेगा, इंटर कीजिए। आपको जो है यहाँ इतना रुपया, 8100 रुपया जो है क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट मतलब बोले तो जितना आप जो है पैसा ले रहे हैं और देने के बाद में जितना आपका बचता है वो आपका प्रॉफिट में आता है। तो लाइक यहाँ पे 8100 रुपया आपका जो है बोले तो इसका बैलेंस शीट आएगा, यानी कि इसका आंसर आएगा। तो आप जो है इसको बनाइएगा और इसी प्रोजेक्ट को बनाइएगा। लाइक यहाँ पे जो है आप क्या कीजिएगा, इसकी जो भी अमाउंट है उसको मिला के देखिएगा कि हाँ कोई गलती तो नहीं हो रहा ना, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसका ज़रूर से रिप्लाई देंगे। तो आई होप कि आपको ये जो है प्रोजेक्ट समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।